टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारियां पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल संग्रह को। इसको आप स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आपके स्क्रीन पर एक बेल आइकॉन आएगा, उसको क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत कश्यप और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल संग्रह में। दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल सिंपल होने वाला है और बहुत ज्यादा सरल है और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन जिसको पता नहीं है उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा वीडियो, क्योंकि आज के वीडियो में सिंपल एक ईमेल आईडी बनाना सिखा रहा हूँ। क्योंकि ईमेल आईडी बनाना बहुत जरूरी भी होता है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है, और इसके लिए यूट्यूब में बहुत ज्यादा सर्च भी चल रहा था, तो मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कुछ अच्छी बातें आपके लिए बताने के लिए, जिनको ईमेल आईडी बनाना आता भी है तो उनके लिए भी कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश करूंगा। और मैं इसमें इजी वे में ईमेल आईडी बनाना सिखाऊंगा आपको। मोबाइल से बहुत ही आसानी से कुछ स्टेप करके ही आप ईमेल आईडी बहुत ज्यादा आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। दोस्तों, हम मोबाइल से बहुत ही आसानी से ईमेल आईडी बना सकते हैं, तो जो सबसे सरल तरीका है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके लिए अपने मोबाइल का डेटा ऑन कर लीजिए, उसके बाद अपने मोबाइल के मेन सेटिंग में जाइए और उसके बाद नीचे आकर के आपको अकाउंट का जो ऑप्शन मिलता है उसमें जाना है, और उसके बाद आपको साइंक्रोनाइज का ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर उसमें आपको क्लिक करना है। ये ऑप्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है अगर आपका मोबाइल दूसरा है तो, मैं एमआई के मोबाइल में बना रहा हूँ। और उसके बाद साइंक्रोनाइज में क्लिक करने के बाद नीचे की ओर आओगे तो आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें आपको क्लिक करना है। और इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर गूगल का ऑप्शन मिलेगा, तो उसको आपको क्लिक कर लेना है। ईमेल आईडी के लिए मैं जीमेल का उपयोग करने वाला हूँ, आपको एक जीमेल आईडी बनाना पड़ेगा, उसके जरिए आप ईमेल सेंड कर सकते हो। तो गूगल पे हम लोग क्लिक करेंगे। गूगल पे क्लिक करने के बाद ये कुछ समय लेगा, उसके बाद आपके पैटर्न पूछेगा जो मोबाइल में डला रहता है, अगर नहीं डला है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा आपके में, तो मैं अपना पैटर्न डाल लेता हूँ इसमें। अब उसके बाद ये प्रोसेस होने में कुछ समय लेता है। फिर इस पेज में आपको ईमेल और फ़ोन नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी रहता है तब के लिए है ये, हम लोग को अभी बनाना है तो नीचे में लेफ्ट साइड में नीचे की ओर आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है और यहाँ पर लास्ट नेम डालना है, मतलब लास्ट नेम मतलब कि सरनेम और फर्स्ट नेम मतलब आपका फर्स्ट नेम जो होता है वो डालना है। तो देख लीजिए, इसमें मैं अभी नाम डाल चुका हूँ, मैं अपने दोस्त के लिए ईमेल आईडी बना करके दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर डे मंथ और ईयर जहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, और यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग। और उसके बाद यहाँ पर गूगल अपने तरफ से ऑटोमेटिक आपके सरनेम और नेम को उपयोग करके एक दो तीन ईमेल आईडी का लिस्ट दिखाई देगा, उसमें से अगर आपको सरल लगता है तो इसको आप चयन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये ईमेल आईडी अच्छा नहीं है तो खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि ये ईमेल आईडी अच्छा लग रहा है तो इसको भी हम लोग चयन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको खुद से कैसे क्रिएट करना है उसके लिए यहाँ पर क्रिएट अ डिफरेंट जीमेल आईडी पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ट्राई करना है इस तरीके से। जैसे मैं अपना नाम डाल चुका हूँ यहाँ पर दिव्यांश सिदार करके, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर ये ईमेल आईडी किसी के द्वारा ले लिया गया रहेगा तो इस तरीके से आपके में एरर आएगा, द यूज़र नेम इज़ टेकन ट्राई अनदर, तो इसमें आपको कुछ और अंग ऐड करना पड़ेगा ताकि आपका ईमेल आईडी एक यूनिक बन सके। तो यहाँ पर मैं 05 लगा करके देख लेता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो देख लीजिए, ये ईमेल आईडी अभी कोई भी नहीं लिया है, इस कारण से ये ईमेल आईडी हमें मिल सकता है। इसी तरीके से आपको भी एक डिफरेंट और एकदम सरल बनाने का कोशिश करना है। आप बहुत सारा ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी के द्वारा लिया जा गया रहेगा तो बस एरर आएगा और कुछ नहीं होता है। और उसके बाद जैसे ही आपको मिलेगा यहाँ पर पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डालना है और यहाँ भी उसको कन्फर्म करना है सेम पासवर्ड डाल करके। ये पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मतलब कि 8 से कम नहीं होना चाहिए, 8 से ऊपर हो सकता है लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए। और कोशिश कीजिए आप कि इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों डालने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। अब आपका ईमेल आईडी तो बन चुका है, और यहाँ पर पूछ रहा है 8 फ़ोन नंबर, तो इसको आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं डालना है। क्योंकि ये फ़ोन नंबर इसलिए पूछ रहा है ताकि आपका पासवर्ड जब गुम जाए, आप पासवर्ड भूल जाओ, तो इसमें फ़ोन नंबर के जरिए इसको रिकवर किया जा सकता है, या फिर किसी और का अपने फ्रेंड का ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, उसके जरिए भी आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मुझे अभी फ़ोन नंबर इसमें ऐड नहीं करना है, आप अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और इसका टर्म्स एंड कंडीशन जो होता है उसको एग्री करना है।
अब देख लीजिए हम लोग का ईमेल आईडी बन चुका है यहाँ पर, थैंक्स दिव्यांश करके दिखाई दे रहा है, divyansh05@gmail.com यहाँ पर आपका पासवर्ड रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देख लीजिए हम लोग का अभी ईमेल आईडी बनने के साथ साथ ये हम लोग के मोबाइल में ऐड भी हो चुका है, आप अपने प्ले स्टोर का उपयोग भी कर सकते हो और जितना भी यूट्यूब वगैरह है, जो भी गूगल का जो भी एप्लीकेशन आता है वो सभी का उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से आप मोबाइल में बहुत ही ईजी वे में अपने लिए जीमेल आईडी बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।